अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत ने जहां मोदी के 70 साल के आरोपों का जवाब दिया, वहीं केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने प्रेस वार्ता में आमजन को आगाह भी किया कि अगर देश इस बार फिर मोदी के जुमलों में आ गया तो देश की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये जो राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया था न्यूनतम आय योजना, उसको लेके मोदी जी व उनकी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं, राहुल जी पे भी और कांग्रेस पे भी। जहाँ जाते हैं वो तुकबंदी हैं और कुछ कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि जो आदमी बौखला जाते हैं तो फिर वो क्या कहना चाहते हैं उसकी बजाय गुस्से में वो बातें निकलती हैं जो कि टिप्पणियों को लोग पसंद नहीं करते, वो स्थिति उनकी बन गई है। अब जिस प्रकार से उन्होंने 40 मिनट इंतजार करवाया देश को कि मैं आपको बहुत जल्दी सूचना देने वाला हूँ महत्वपूर्ण, खुदा पहाड़ निकली चोया जो कहावत पुरानी, पूरा देश हतप्रत रह गया कि ये हमें क्यों इंतजार करवाया गया। लोग तो बड़े आशंकित हो गए, भय में आ गए कि पता नहीं आज कोई और नोटबंदी हो रही है या पता नहीं क्या घोषणा कर देंगे, पता पड़ा ही लोगों को। और बातें वो बोली जो DRDO के खुद के डायरेक्टर बोल सकते थे। ये 35-40 साल लगे हैं इसरो की स्थापना करने में, और वैज्ञानिक सोच जो पंडित नेहरू की उस जमाने में थी, इंदिरा जी के वक्त में स्थापना हुई, 35-40 साल लगे हैं इसरो बनने में। वो ऐसा प्रेडिक्ट करते थे कि उनके आने के बाद में ही सब कुछ हो रहा है, 100 उपग्रह छोड़े जा रहे हैं और ये साइंटिस्टों ने एक नई उपलब्धि कर ली है। ये इस प्रकार से हर चीज़ को प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये तमाम चीज़ें 4.5 साल जो भी समय लगभग 5 साल इनके कार्यकाल की उपलब्धि हो, उस रूप में ये हर चीज़ को प्रस्तुत देश के सामने कर रहे हैं और इनकी ये पोल खुलती जा रही है और इनको भ्रम है, अभी ये हवा में उड़ रहे हैं। ये इनकी पार्टी के लोग, इनके नेता लोग ये समझ बैठे हैं कि सरकार हमारे आने वाली है, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि असली जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजी करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर वादे करते हैं वो झूठे साबित होते हैं, उन वादों को भूल जाते हैं, नए वादों पर ये बात कहते हैं अपनी। और उपलब्धियाँ क्या रही देश के सामने की 5 साल की, उस पर कोई बताते नहीं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ जनता अब समझ चुकी है कि ना 15 लाख रुपए आए, ना अच्छे दिन आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला और ना काला धन आया, जो इनके मेन थीम की उसमें पूरी तरह फेल हो गए। और मेरा मानना कि जो न्यूनतम आय योजना लागू करने की जब घोषणा करी राहुल जी ने, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं 15 लाख का वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये असली वादा कर रहा हूँ जो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करके दिखा देंगे इसको, जिसमें 72,000 रुपये प्रतिवर्ष 20% जनता को मिलेंगे जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं। हमारे वो शुरुआत कर रहे हैं, वो तो फर्स्ट फेज होगा, उसके बाद और आगे फिर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति को कम से कम 72,000 पर ईयर मिले, 3,60,000 होते हैं 5 साल के। इस प्रकार से एक स्कीम जो है उन्होंने सोशल जस्टिस कह दीजिए आप उसको, मेरे दृष्टि के अंदर दुनिया के विकसित राष्ट्रों में ये स्कीम इस रूप में नहीं है, ये पहली बार राहुल गांधी जी लेके आए हैं। वहाँ और तरीके से सोशल सिक्योरिटी देते हैं जिससे कि कोई इंसान जो है बुजुर्ग भी हैं या ज़रूरतमंद है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो उनको वीकली पैसा मिलता, आप मेरे कई लोग मालूम होगा वहाँ वीकली पैसा मिलता उन लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये भी एक प्रकार से उससे बढ़कर के स्कीम है।
और ये होना भी चाहिए। आज हम लोग 21st century में पहुँच चुके हैं। 21वीं सदी का नारा दिया था राजीव गांधी जी ने, उस पर लोग समझे नहीं, फिर बाद में जब ये कंप्यूटर आए, मोबाइल फ़ोन हर हाथ में आ गए, तब मालूम पड़ा कि राजीव गांधी क्या चाहते थे, राजीव गांधी चाहते क्या थे मालूम पड़ा। तो उसी रूप में राजीव गांधी ही चाहते थे कि नई शताब्दी में जाएं, तो हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे आएं, हम इस तैयारी के साथ में जाएं। 15 साल बचे हुए थे उस वक्त में, 85 की बात है कि 15 साल जब नई शताब्दी लागू होगी तब तक हम लोग ऐसी तैयारी कर लें, मेहनत करके, जिससे कि नई शताब्दी जो बीते 100 साल की, उसके दरमियान में हिंदुस्तान भी खाली डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे, डेवलप कंट्री बन जाए। उसी रूप में मैं इसको देखता हूँ कि अब जमाना आ गया है कि एक मजदूर आदमी जिंदगी में मजदूरी करता है, जब उसका शरीर साथ देते देता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति बन गई है कि हम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, जो कि दुनिया के विकसित राष्ट्र देते हैं, और उसी रूप में इसको देखा गया है। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस हमेशा ठोस काम करती, जो कहती वो करती है, ये जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं मीडिया के साथियों में कहना चाहूँगा कि सच्चाई को उजागर करना भी हमारा सबका कर्तव्य, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। होता क्या है, पिछली बार जब नरेगा लेके आए, जो कि वो भी एक प्रकार से विश्व के अंदर पहली योजना थी जो गारंटी दे रही थी आदमी को, और मैं तो अनुभव रखता हूँ बचपन से कि जिसमें नरेगा के पहले लोग जैसे ही मानसून धोखा देता उनके चेहरे लटक जाते थे कि अब क्या होगा, काम मांगते फिरते थे, काम खोलो, पीने का पानी मनुष्य और पशुओं के लिए कहाँ से आएगा, चारा कहाँ से आएगा, मजदूरी कम मिलती थी तो उसके ऑपरेशन लगती थी, ज़्यादा मजदूरी तो पूरा पैसा मिला नहीं, न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ में, वो तमाम तरह की बातें जो है एक स्कीम लाने से ख़त्म हो गई, क्योंकि एश्योर हो गया मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई खेतों के अंदर भी, फैक्ट्रियों में भी, क्योंकि जब मजदूर मिलते ही नहीं हैं तो जो उसको 100 रुपये देते थे उनको 200 रुपये देने पड़े, 300 रुपये देने पड़े, तो ये इस प्रकार का फ़ायदा मिलता है। पर उस पर क्या कहा गया, तो ये तो कांग्रेस जो है ये महंगाई बढ़ने का कारण ये कि पैसा लुटा रही गरीबों को, नरेगा लेके आ गए, फूड सिक्योरिटी लेके आ गए, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, जो जो वेलफेयर स्कीम लागू करी हमारे यहाँ की स्कीमों को, तो रेवड़ी बताया गया कि रेवड़ियाँ बट रही राजस्थान के अंदर, दवाएँ नहीं है जहर बट रहा है, ये सब किए गए। पर आज मैं कहना चाहूँगा आपको, जैसे अब ये योजना लेके आए नहीं, इस योजना के माध्यम से जो पैसा जाएगा गरीब की जेब में, वो पैसा खर्च होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और ये परचेजिंग पावर बढ़ती है हमेशा नरेगा के अंदर भी ऐसा हुआ, तो उससे एक्टिविटी बढ़ती है, जब कोई परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ें खरीदता है, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ता है और चक्र घूमता है विकास का, ये कायदा होता है। परंतु इन बातों से इनको मतलब नहीं, चुनाव जीतने से इनको मतलब है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, लुटा रही है लोगों को पैसा, लुटा रही है, और भ्रम पैदा करते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस लुटा रही है हमारे पैसे को चुनाव जीतने के लिए, जबकि हो उल्टा रहा है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं और गरीब को न्याय देने में अड़चन पैदा करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। हम तो इसकी इस रूप में देखते हैं कि आज सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, और आप समझ लो कि कोई बोलता है तो देश द्रोही होता है, वो आप सरकार की आलोचना करें तो देश द्रोही बन जाते हैं। इतना भय है कि लोग टेलीफोन पर बात नहीं करते हैं, मोबाइल के हैं तो व्हाट्सएप पर बात करते हैं, लैंडलाइन पर बात करते हैं, करने लग गए हैं, ये नौबत क्यों आ रही है। तो एक इंसान को अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर लोकतंत्र क्या है।
लोकतंत्र वो है जो आप मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी की आलोचना करो, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आज तक की परंपरा 70 साल से ही रही है। मोदी जी ने उस परंपरा को तोड़ दिया है। हिंसा हो रही है, घृणा हो रही है देश के अंदर, लिंचिंग के नाम पर निर्दोष आगे मारे जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने वादा किया वो निभाया है, बताया जनता को। तो ये बातें आपसे। दूसरा, जो हमने देश में पहला राज्य जिसने जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए जो हमने वर्डन जारी किया, उसका बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि एक नौजवान को सारी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी जो राज्य की है, लैंड यूज चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली एप्लीकेशन सूचना के लिए देनी पड़ेगी कि मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। 3 साल तक उसको कोई नहीं पूछेगा, तो कम से कम उसका हौसला बढ़ेगा काम करने का। ये जो योजना हम लोगों ने लागू की है ऑर्डिनेंस के जरिए, इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और न्यूनतम गारंटी योजना जो राहुल जी ने कहा है, इसको कांग्रेस और नेतृत्व, अभी वर्किंग कमेटी हुई थी दिल्ली के अंदर, उसने उसको सीरियस लिया गया और मैनिफेस्टो में उसको मुख्य मुद्दा बनाने का तय किया गया। एक जो राइट टू हेल्थ, ये पॉइंट भी राहुल गांधी जी बराबर बोल रहे हैं कि हर इंसान को स्वास्थ्य की गारंटी मिलनी चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब इलाज नहीं करवा सकता। हमने उस दिशा में बहुत कदम उठाया, जिसको हमारे कांग्रेस प्रेजिडेंट अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 5 साल से देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं तो वो राजस्थान की मेडिकल फ्री मेडिकल की स्कीम को अप्रिशिएट करते हैं, और इस स्कीम को हम भी चाहेंगे और ज़्यादा मजबूत राजस्थान में करें। अभी हमने उसमें कैंसर और किडनी की दवाएं भी जोड़ी हैं, पर यहाँ हम लोग रुकेंगे नहीं और ज़्यादा कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। जयपुर में SMH के अंदर आज सीनियर सिटीजन का CT स्कैन और MRI भी फ्री होता है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में ऐसी स्थिति बने जहाँ 6,000-8,000 रुपये लेते हैं लोग, वो फ्री कैसे हो सकता है। तो ये शिक्षा और ये आपका स्वास्थ्य, दो चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे राजस्थान के अंदर भी। बाकी काम तो बिजली पानी सड़कें तो चलते रहेगा, विकास का चक्र चलता रहेगा। तो दो इश्यू ऐसे जहाँ पर अगर जो आबादी पढ़ लिख जाती है जिस प्रदेश की या देश की, वो प्रगति स्वयं कर लेता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे व्यक्ति का, एजुकेटेड हो, तो फिर आज दुनिया जो है ग्लोबल जो पूरा है वो गाँव की तरह हो गया है, फिर वो रास्ता निकाल लेता आगे बढ़ने का। तो इस दिशा में हम लोग जोड़ देंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भाई हमने जो फैसले किए वो आपको भी वैसे तो आप होंगे, परंतु फिर भी जो है हम लोग एक जोड़ देंगे आपको जो फैसले हमने किए हैं, तो वो उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में इतने फैसले, खाली फैसले नहीं हुए, फैसले लागू हो गए। फैसला करने में लागू करने में रात दिन का फ़र्क होता है, वो भी हमने किया है। आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे और आप उसको अपने तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने सरकार बनते ही बड़े बड़े फैसले किए और कम समय में किए और लागू कर दिए। बीजेपी वाले जो बोलते हैं 100 दिन में कुछ नहीं किया है, जो उनके जुमले आते रहते हैं, आपकी मजबूरी का आपको छापते रहते हैं, आप भी छापते रहते हो, क्योंकि मजबूरी होती है कि कहते हैं कुछ छापो इनकी बात भी, तो ये तो चलता रहता। पर आपको ये भी तय करना पड़ेगा मीडिया के परिवार के लोगों को कि सच्चाई किन के साथ में, सच्चाई का पुट भी उसमें आना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये तो आरोप हमारा उनके ऊपर है, आपने सिर्फ 50,000 रुपये देने की बात करी, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। 8,000 रुपये की बजाय 2,000 रुपये, 2,000 करोड़ रुपये दे के रह गए, 6,000 करोड़ का भार भी हमारे पर डाल दिया। हमने तो CC बैंक के भी, भूमिकर बैंक के भी सब कर्ज़े माफ़ कर दिए, छोटे बड़े सब माफ़ कर दिए, 50,000 की लिमिट भी ख़त्म कर दिया। इसलिए उनकी बातों पर मैं समझता हूँ कि
आपका रुख देखेंगे वो कि सच्चाई लिखने वाले लोग हैं, सच्चाई लिखते हैं, तो फिर अगली बार वो समझ जाएंगे कि इनको सब मालूम है। उनको भ्रम है कि आपको मालूम नहीं, आपको सब मालूम है, मेरे मालूम है। आडवाणी जी का टिकट काट के अमित शाह जी ने टिकट ले लिया है। ये क्या है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते अपने नेताओं को मुक्त कर दिया। कांग्रेस मुक्त तो भूल गए, अडवाणी मुक्त, मुरलीमनोहर जोशी मुक्त, वो करने लग गए। शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी जी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब उनको मालूम पड़ गया उनका टिकट इसलिए काटा गया है, जिन्हें पूरे देश के अंदर मैसेज दे हुए हैं कि हम लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। जैसे कि पूरा मुल्क जो है उसके उसको राष्ट्र प्रेम से कोई संबंध नहीं है, खाली RSS और BJP को संबंध है, हमें संबंध नहीं है। इसलिए ऐसे दोनों नेताओं को जब उनको देख लिया है कि ये पार्टी की सोच क्या है, तो उस पार्टी बने रहने के तुक क्या उनका। ये देखिए ये वो भी उनकी जुमला है, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी राज्यों के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो लिस्ट नहीं भेजेगी। लिस्ट उनकी जो गई नकली लिस्टें गई थी, उनको नाटक करना था, इसलिए अपने राज्यों से उन्होंने फर्जी आंकड़े मंगा लिए, खाली किसानों के नाम से, किसानों की गिनती के नाम से। पूरी फॉर्मेलिटी होती है आधार कार्ड से तस्दीक होकर, फिर जाते हैं 2000 रुपये रोकेगा क्यों, हम क्यों रोकेंगे, हम तो 24,000 रुपये दे रहे हैं। वो कंपेयर हम लोग नहीं करें। ये भी मोदी जी की और BJP चाल है कि 2000 दे रहे थे वो, 6000 एक साल के हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं किसानों का। आपको मालूम है कभी हमने लघु और सीमांत किसानों की भी पेंशन कर दी है जो पहले नहीं थी। इसका मतलब हुआ कि 750 किया और 750 किया। पत्नी पत्नी तो 2000 मिलेंगे उनको, तो 2000 का मतलब क्या हुआ, 24,000 हो गए। 24,000 रुपये दे रहे राजस्थान सरकार, 18,000 दे रही अगर उम्र कम है तो, वो दे रहे 6,000। कहीं हम कंपेयर नहीं कर लें, उनकी आलोचना नहीं कर दें, इसलिए बचाव करने के लिए पहले आरोप लगा दो। तो ये उनकी, ये तो तिकड़म है उनकी है, ये तिकड़म बार लोग है, कहना चाहिए तिकड़म बार लोग है, मार्केटिंग उल्टे करते हैं इनके नेता जो है ना, चाहे राजस्थान में देखता हूँ तो राष्ट्र पर देखता हूँ, ऐसे बात बोलते हैं मार्केटिंग के लिए कि जिनमें कोई सच्चाई होती नहीं है। और राहुल गांधी ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए क्या है कि वो उनको आप देख रहे हैं कि उनके षड्यंत्र करके मोदी जी घबराते किससे हैं, सिर्फ राहुल गांधी से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। मोदी जी कहते हैं कि जो जो आरोप लगाते हैं गुस्से के अंदर, और राहुल गांधी वो जाके गले मिलता है। अब गले मिले कोई के भी, मैं इनको गुस्सा आता है गुस्सा निकालने के लिए गले मिला हूँ, बताइए आप। वो चाहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो, वो घृणा की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं। तो हमें फ़र्क आपको समझना पड़ेगा और देश को बताना पड़ेगा। और मैं बता चुका हूँ पहले बता चुका हूँ बार बार रिपीट मत करवाऊँ उससे। अपना भी करना चाहिए, जो नेता बनना चाहता है और जो उम्मीदवार होता है वो उसको खुद को दमखम के साथ उतरना चाहिए मैदान में, और मुझे यकीन है कि वो दमखम के साथ उतरेंगे। जब Mission 25 की बात करते हैं तो फिर सीटों की गिनती क्यों करें हम लोग, इनके ऊपर देशद्रोह का मुख्य नजर है। मीडिया वालों को मैं कहना चाहूँगा, आपने हिम्मत दिखाई है कि चाहे मीडिया के मालिक हो, चाहे वो संपादक हो, चाहे एंकर्स हो, जो हालात जैसे बने हैं वो चाहते होंगे निष्पक्ष रहना अधिकांश लोग, तब भी वो रह नहीं पाते, क्योंकि वो उनको हमेशा डर रहता है इनकम टैक्स, CBI, ED का। ED ऐसी संस्था आ गई है जो पहले कभी हमने सुना नहीं था इस प्रकार से। तो आज इनकम टैक्स और ED जो है वो जिस रूप में बिहेव कर रहे हैं, और CBI ऊपर से, उससे मीडिया वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, पॉलिटिशियन हो, सब घबराए हुए हैं, क्योंकि चुन चुन करके बदले लेने की भावना से काम हो रहे हैं, चुन चुन करके हो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी खतरे की बात हम क्यों करते हैं,
आज तो शायद आप भी कितना मानोगे तो आपका दिल जाने, पर मोदी जी की तरह लोग वापस आ गए सत्ता में तो आगे चुनाव होंगे भी नहीं भी होंगे, जैसे मैंने कहा चाइना के अंदर चुनाव भी होते हैं नहीं भी होते हैं, पहले तय हो जाते हैं कि कौन जीतेगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है जो मैं कह रहा हूँ। मैं राजस्थान का प्रथम सेवक हूँ, तीसरी बार बना हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आगाह करूँ लोगों को, कितनी बात मानेंगे कितनी बात नहीं मानेंगे वो तो जनता पर निर्भर करता है, इंसान पर निर्भर करता है। पर हमेशा पॉलिटिशियन की ये भावना होनी चाहिए वो सच्चाई को रखी जनता के सामने, उसी से एक माहौल, जैसे आप लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, उनकी ड्यूटी भी यही है और लिखते भी हैं, इतने आप आर्टिकल पढ़ते होंगे, एक से एक बढ़कर के आलोचना भी होती है, कोई तारीफ भी करते हैं, तो ये समाज का जो तबका है उसकी भी बड़ी जिम्मेवारी है। पर कशी से पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है बढ़ चढ़ करके, जो कि 50 साल राज हम करेंगे ये कह रहे यूज क्या थी भाई। ये न्यूनतम गारंटी वाली बात राहुल गांधी कही है ना, इसके बाद में ये सब बातें पीछे रह गई हैं। इसलिए मोदी जी को आना पड़ा टीवी में कहने के लिए कि हमने हमारे उपग्रह ने क्या कर दिया है, इसको हमें समझने की बात सोचनी पड़ेगी कि ये तमाम बातें पीछे रह गई है। ये स्कीम ऐसी स्कीम आई है जो आज़ादी के बाद पहली बार आ रही है। अब नरेगा भी होगा, RTE भी है जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हों, किसी कौम के किसी जाति धर्म के या पिछड़े, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। तो रोटी कपड़ा मकान की जो थीम है ना वो इस स्कीम लागू होने के बाद और मजबूत होगी। देखिए ये GST कांग्रेस लेके आ रही थी सिंगल टैक्स, आज भी राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम सिंगल टैक्स लाएंगे। सिंगल टैक्स में मल्टीपल टैक्स में राजनीति का फर्क है। ये परेशानी जो हुई है व्यापारियों को सबको, उसके कैलकुलेशन में भी और जमा करवाने में भी सब तरह से, इसीलिए हुई कि उन्होंने अपनी बड़ी ज़्यादा होशियारी दिखाई वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, और 4-5 तरह के टैक्स लगा दिए और कहने लगे संभव है क्या, एग्जाम्पल दिए गए कि चश्मे का जैसे आपको चश्मा पहना पाना कितने अच्छे लग रहे हो, और शर्ट का इनमें आप एक से कैसे कर सकते हो। तो वो जो उन्होंने कहा कि एक से कैसे हो सकता है, सिंगल टैक्स कैसे हो सकता है, धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। पिछले साल बढ़ते कितनी बार GST की मीटिंग करी, तमाम आइटम को ख़त्म कर रहे हैं और सिंगल टैक्स की तरह आ रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म आ रही है एक साथ में इस झटके में कर दे तो लोग क्या कहेंगे कि राहुल गांधी की बात सच साबित हो गई। इसलिए जानबूझ करके वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो एक टैक्स लगाएंगे, उसके अपने माइंड होते हैं, अभी तो टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे वो एक टैक्स होगा, क्या मतलब उस टैक्स के नीचे जितनी चीज़ें आएगी उसमें टैक्स लगेगा या नहीं, इसका मतलब होगा या उसमें 18 लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा उनके लिए। एक बात और है कि जो आपने GST वो जो नोटबंदी की बात करी, ये ऐसी मार है जो देश समझ नहीं पा रहा अभी तक भी। गरीब देखता है कि मोदी जी जो कर रहा मेरे लिए कर रहा है, नोटबंदी करी है तो अमीरों के पैसे ख़त्म कर दिए उसने, ब्लैक मनी ख़त्म कर दी, जो रोज़ हम लोग टैक्सी के क्या कार की डिक्की में ले जाते थे छूट कर भर भर करके, एक झटके मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। ये जो भावना पैदा हुई गरीबों में, तो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी भावुक होकर यही दी थी कि आप 50 दिन मुझे दीजिए वरना मुझे चला पे खड़ा करके करना जो करना था। तो आप बताइए मुझे आज कितना लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितना व्यापार ठप हो गया है, आज व्यापार चल नहीं पा रहे हैं। आज जो व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा मेरे लाइफ के अंदर व्यापारियों को, व्यापार ठप है उनके, कोई हालात बखान नहीं कर सकता उनका, ऐसी स्थिति व्यापारी है। बड़े बड़े आपके उनसे व्यापारी से बड़े छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दुखी हैं, जिन्होंने पैसा उधार दिया लिया है, जिसने लिया वो कहता मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है भैया, जब होगा तो मैं दूंगा और ब्याज नहीं दूंगा। स्थिति ये है, कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, बार बात आ नहीं रही है, अंदर ही अंदर पूरा देश दुखी है। परंतु वो जो व्यापारी है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डरा हुआ, पता नहीं देश में होगा क्या,
पता नहीं अगर हमने कुछ बोल दिया मोदी जी वहाँ पर आ गए तो फिर हमारी खैर नहीं है। ये जो भय सता रहा है लोगों को, इसलिए लोगों के मुँह पे ताले लगे हुए हैं, बोल नहीं रहे। जिस वक्त ये हो गया कि नहीं मोदी जी जा सकते हैं तो लोग सड़कों पर आएंगे, जो आज तक कभी नहीं आए वो भी सड़कों पर आएंगे, ये मेरा मानना है। हालात बहुत गंभीर है देश के, प्लानिंग कमीशन बनने से। देखिए प्लानिंग कमीशन आज़ादी के संग संग पंडित नेहरू के ज़माने में बनी संस्थाएँ हैं, उसी पे देश खड़ा है। मेरा मानना है कि ये सोशल मीडिया वरदान भी है, अभिशाप भी है। सोशल मीडिया वरदान तो इस रूप में कि अगर वो नौजवान पीढ़ी हिस्ट्री पढ़े देश की और दुनिया की, और जिस रूप में ये कुछ संस्थाएँ बनी हैं, तो वो अपना आप भी उनकी खुद की पर्सनैलिटी में निखार आ सकता है। और अगर आप कुछ पढ़ो ही नहीं, खाली मोदी जी बातें करते वो सुनते रहेंगे हम, जो कि लच्छेदार बातें होती हैं, मार्केटिंग वाली होती है, तो हम लोग ताली बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, पर ना वो देश का भला कर सकते हैं ना देश का भला हो सकता है। नींव जो देश की बनाई पंडित नेहरू ने, उस पर हम खड़े हैं। पाकिस्तान में नींव नहीं बन सकी उस वक्त, आज पाकिस्तान निर्भर है दुनिया के मुल्कों पर। आज हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, और मोदी जी अगर घमंड करते हैं दुनिया में जाकर के कि डेमोक्रेसी जो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, उसके वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है नौजवानों को भी और सब कुछ कर रहा है, उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र कायम कांग्रेस ने रखा, 76 साल तक इंदिरा गांधी ने जान देकर रखा है। और मोदी जी को सेल्फी लेना सिखाया है, वो भी आज तक लोकतंत्र कायम है 21st सेंचुरी में, राजीव गांधी लेके आए देश को, इसलिए यहाँ पे उनको सिखाया, सेल्फी लेना सिखाया, नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को। ये वो पार्लियामेंट चुनाव से पहले 14 में, तब से मैं देख रहा हूँ पर्यायवाद वंशवाद की बातें बोलते थे, आज तक वही बोलते आ रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी है, आज तक वोट जो है गुप्त मतदान से हुए हैं। अगर वो डेमोक्रेसी नहीं होती तो मैं सब बातें मानता जो मोदी जी बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं कुछ में दम होगा। वोट जब सीक्रेट होता है तब भी अगर कोई जीत के आते हैं तो उनको तकलीफ क्यों होती है? अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे जुट रहती है देश के अंदर, या सोनिया गांधी ने जुट रखा, विश्वास हर कांग्रेस जन का उनके ऊपर, भाई सबको साथ न्याय करेंगे, सब जाति धर्म भाषा बोलने वालों को साथ लेके चलेंगे, तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों होता है? ये हमारी पार्टी का मामला, वो कौन होते कहने वाले? तो ये मोदी जी जो बोलते हैं पर उनका जनता में असर नहीं पड़ रहा है। और मेरा मानना है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो भी समझ जाएगी कि सच्चाई किसके साथ में है। हमारी सभाएं तो लगातार चल रही, अभी हम लोग जाके आए और कल परसों वापस शुरू कर रहे हैं। पिछली बार इस बारे में बोल चुका हूँ या मैंने पूरे मीडिया में बता दिया, वैभव गहलोत तो सड़े में नहीं आते। मैं काम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उनका जवाब दे दिया आपके क्वेश्चन के साथ, क्योंकि देखिए वैभव गहलोत को मैंने 2009 में टिकट नहीं लेने दिया पार्लियामेंट का। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लड़ना चाहते थे PYC प्रेसिडेंट का, राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष क्या, तो मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप जीतोगे तो लोग कहेंगे भाई ये मुख्यमंत्री बेटा जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे थे चंद्रमानी के वक्त में, तभी मैं मना किया उनको, वही बात लागू होगी। जब मैं चुनाव हम लोग लूज कर गए 2013 में, तब मैंने कहा अब मुझे दिक्कत नहीं है, जब आप चाहे टिकट ले पार्टी जाने और आप जा लो। उस वक्त नहीं मिल पाया टिकट, तो भी मैंने कैंपेन शुरू कर दिया उसी दिन से। अगर मैं 2 दिन घर पे आराम भी कर लेता तो आप लोग लिखते कि वैभव को टिकट नहीं मिला इसलिए अशोक गहलोत नाराज होकर घर बैठ गए हैं, तो मैंने आपको किसी को चांस दे दिया लिखने का। और रात को 11 बजे ट्रेन बैठा, सुबह जोधपुर पहुँचा, बीकानेर पोखरण पूरा दौरा किया। नहीं मैं निकल गया उसी रात को, सुबह रात को निकल गया था। तो भैया मैं कितना ध्यान रखता हूँ मीडिया का, ये बात देखिए अपनी कितनी बातें कर लें कोई पॉलिटिक पार्टी वाले,
कोशिश करते महिलाओं को टिकट मिले, नौजवानों को मिले, सब बातें अच्छी हैं। तो विनिबिलिटी भी एक क्राइटेरिया उसके अंदर होता है और विनिबिलिटी क्राइटेरिया सब क्राइटेरिया भारी पड़ जाता है। महिलाएँ 33% आए, युवाओं को टिकट मिले, सब बातें होती हैं हर पार्टी के अंदर, पर उसमें एक क्राइटेरिया विनिबिलिटी का भी है। इन सब क्राइटेरिया में विनिबिलिटी भारी पड़ती है, तभी तो आप कामयाब पाओगे।